हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे रैबिट के बारे में है जो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है, लेकिन क्या वो नेचर के खिलाफ जा पाएगा? तो चलिए देखते हैं उसके अद्भुत से सफर को। तो मूवी के शुरू में हम जॉन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी छोटी सी फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से रहती है, लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस रात एक पोर्टल से निकलकर फेदर किंग बाहर आता है जो दिखने में किसी बड़े से बर्ड जैसा है, और जॉन देखता है कि वो उसकी माँ को आफ्टर लाइफ में ले गया है। छोटा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके डैड रातों रात उसे घर से दूर ले जाते हैं। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ जॉन अपने डैड के साथ एक बोट में रहने लगा है और एक बोतल में अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ रहा है। वो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है और तुम्हारे लेटर्स लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। जॉन को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने डैड की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और अपनी मॉम के लिए एक नया लेटर लिखने लगता है। वो उन्हें बताता है कि डैड को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और उन्हें तो बस ये डर लगा रहता है कि कहीं फेदर किंग मुझे भी ना उठा कर ले जाए। फिर वो छुपते हुए उस बोतल को बाहर फेंकने जाता है, लेकिन देखता है कि उसके डैड रेडियो पर अपने दोस्त बिल से बात कर रहे हैं। बिल उसके डैड को बताता है कि फेदर किंग पानी से बहुत डरता है और छुपने के लिए समुद्र से बढ़िया जगह कोई नहीं है, लेकिन जॉन उन्हें इग्नोर करके बोतल को पानी में फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। अगली सुबह वो अपनी बोट की मरम्मत करने लगते हैं और पता चलता है कि उनके नट बोल्ट्स खत्म होने वाले हैं। उसके डैड पास ही की एक सिटी में जाने लगते हैं और जॉन को वॉर्न करते हैं कि तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना होगा और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बोट छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जॉन उनके जाते ही सीधा रेडियो रूम में आता है ताकि उससे अपनी मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके, लेकिन तभी उसे रेडियो पर बिल का मैसेज मिलता है जो बताता है कि फेदर किंग उस तक पहुंच चुका है और उसे इस वक्त मदद की जरूरत है। जॉन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी फेदर किंग से मिलना चाहता था और अपने डैड के लिए मैसेज छोड़कर वो अकेले ही बिल की मदद करने निकल पड़ता है। जल्द ही वो उसके आइलैंड तक पहुंच जाता है और देखता है कि कुछ ग्रीन क्रीचर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल कूद कर उसकी बोट तक आ जाता है और वो उन क्रीचर से बचकर भागने लगते हैं। तब जॉन उसे बताता है कि मैं तो फेदर किंग से अपनी मॉम के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन बिल उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि मैं उसके किंगडम में जा चुका हूँ और वो बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और बाहर जाकर एक फ्लेयर गन छोड़ देता है। तभी हम वहाँ फेदर किंग को आते हुए देखते हैं और जॉन इंजन रूम में जाकर बोट को रोक देता है। यहाँ उसे फेदर किंग की आवाज सुनाई देती है जो बिल को अपने किंगडम में वापस आने के लिए कह रहा है और बताता है कि मोरा ने तुम्हारे लिए एक टिकट असाइन की है। जॉन ऊपर उसे मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि फेदर किंग तो वहाँ से जा चुका है। तब बिल उसे अपनी टिकट दिखाता है और कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी कुछ सोचकर वो अपनी टिकट जॉन को दे देता है और कहता है कि इससे तुम फेदर किंग की दुनिया में जा सकते हो और वहाँ तुम्हें तुम्हारी मॉम भी मिल जाएगी। वो उसे ये टिकट एक कैप्टन को देने को कहता है और बताता है कि वही तुम्हें फेदर किंग की दुनिया में ले जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से दूर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि बोट अचानक से डूबना शुरू हो गई है। बोतल की तरह वो बोट भी पानी की गहराइयों में जाने लगती है और जॉन के कैबिन में पानी भर जाता है। वो तैर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी फैमिली फोटो वहीं बोट में रह गई है। फिर जैसे ही वो उसे वापस लेने जाता है, एक मैजिकल फोर्स उसे और उसकी बोट को गायब कर देती है। आगे हम उसे बोट के साथ आसमान से गिरते हुए देखते हैं और वो फोक बैंक नाम की एक मिस्टिक जगह पहुँचता है। तभी दूर उसे एक शिप नजर आती है और वो देखता है कि काफी सारे रैबिट्स वहाँ लाइन लगाए खड़े हैं और एक फ्रॉग कैप्टन उनकी टिकट चेक कर रहा है। जॉन भी उसे अपनी टिकट दिखाता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम किसी और की टिकट पर वहाँ नहीं जा सकते और ये हमारी बॉस मोरा का ऑर्डर है। वो उसे वहाँ से दूर जाने को बोलता है, लेकिन जॉन उसकी नजर बचाकर शिप के अंदर चला जाता है। तभी कैप्टन को आते देखकर वो छुप जाता है और देखता है कि वो सारी टिकट्स को एक बर्नर में डाल रहा है और उससे निकली एनर्जी शिप को पावर देने लगती है। फिर वो लोग अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में जॉन को वो किंगडम नजर आने लगता है जहाँ एक जैसे हजारों घर बने हुए हैं। वो समझ जाता है कि मेरी मॉम भी इन्हीं में से किसी एक में है, लेकिन तभी वो कैप्टन उसे देख लेता है और जॉन उसे बचकर भागने लगता है।
शिप से निकलकर वो एक स्टैचू तक आता है, लेकिन देखता है कि फेदर किंग वहाँ आ पहुँचा है। वो जॉन को उठाकर चेक करने लगता है और जॉन उसे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ छुपा कर रखा है और मैं यहाँ उसे वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन फेदर किंग उसे बिल के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। वो कैप्टन पर भी बहुत नाराज होता है कि उसे रैबिट्स को चेक करके लाना चाहिए था। और तभी वो देखता है कि जॉन भागकर सिटी में जा रहा है। वो अपने मिनियंस को उसे पकड़ने भेजता है और वो सब जॉन को उठाकर वापस ले आते हैं। जॉन अपनी मॉम से मिलने को कहता है, लेकिन फेदर किंग बताता है कि हम मोरा के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते और अगर उसे पता चल गया तो वो इस जगह को बर्बाद कर देगी। तब जॉन उनकी बॉस मोरा से मिलने को कहता है, वरना वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। और फेदर किंग भी कुछ सोच कर उसकी बात मान जाता है। फिर हम उन्हें मोरा के टेम्पल की ओर जाते हुए देखते हैं और जॉन नोटिस करता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो फेदर किंग उसे बताता है कि ये सारी सिटी बिल ने ही बनाई है, लेकिन अब वो इनका ध्यान रखने से मना कर रहा है और इसीलिए मैं उसे यहाँ लाना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही वो उस टेम्पल तक पहुँच जाते हैं जहाँ बीचों बीच एक टनल बनी हुई है और उससे होते हुए वो एक पूल के पास जाते हैं। पता चलता है कि मोरा इसी के अंदर रहती है और फेदर किंग को वो टिकट्स भी यहीं से मिलती है जिस पर यहाँ आने वाले का नाम लिखा होता है। फिर जॉन के कहने पर वो मोरा से कांटेक्ट करने लगता है और यहाँ पूल में झांकने के चक्कर में जॉन उसके अंदर गिर जाता है। वहाँ उसे बड़े बड़े टेंटिकल्स नजर आते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए फेदर किंग उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि पानी छूते ही उसके हाथ जलने लगे हैं। वो जॉन पर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसकी गलती से ये जगह बर्बाद हो सकती थी और कहता है कि मोरा ने तुम्हें वापस भेजने को बोला है। फिर वो अपने मिनियन से उसे वापस शिप पर ले जाने को बोलता है और खुद वहाँ से बिल को पकड़ने निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन जॉन को वापस फॉग बैंक में ले आया है और तभी फेदर किंग भी वहाँ बिल को लेकर आता है। वो बिल को बताता है कि ये सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है और बिना टिकट के जॉन को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जॉन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मोरा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और वो मुझे मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकती। फेदर किंग भी समझ जाता है कि इससे बात करना एकदम बेकार है और वो लोग उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। जॉन उदास होकर रोने लगता है और तभी उसे वही बोतल दिखाई देती है जिसमें उसने अपनी मॉम को मैसेज लिखा था। वो उसे पकड़कर उसके साथ तैरने लगता है और देखता है कि बोतल उसे एक आइलैंड तक ले आई है। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर वो छुप जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम ही है जो यहाँ उसका मैसेज रिसीव करने आई है। वो भी जॉन को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, लेकिन जॉन उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो तो यहाँ किसी और की टिकट पर आया है। वो उन्हें अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं यहाँ आपको वापस लेने आया हूँ। फिर वो उसके घर की ओर जाने लगते हैं और उसकी मॉम बताती है कि पहले तो मैं भी बहुत उदास थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे तुम्हारा मैसेज रिसीव हुआ और उससे मेरी हैप्पी मेमोरीज मेरे पास वापस आ गई। वो जॉन को उसके भेजे हुए मैसेज दिखाती है जिससे उसने एक आर्ट पीस बनाया है और जॉन भी ये देखकर खुश हो जाता है। आगे वो अपनी मॉम को बताता है कि डैड फेदर किंग से बहुत डरते हैं कि कहीं वो मुझे भी अपने साथ ना ले जाए और इसी वजह से हमें समुद्र में रहना पड़ता है। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि फेदर किंग तो बस अपना काम कर रहा है और वो तब तक किसी को नहीं ले जाता जब तक कि उसका टाइम ना आ जाए। शाम को वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जल्दी ही जॉन सोने चला जाता है। सुबह वो घर के बाहर कुछ मिनियंस को देखते हैं और उसकी मॉम डर के मारे उसे छुपा लेती है। तभी वो देखते हैं कि बिल वहाँ उनकी मदद करने आया है और उन्हें बताता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस फेदर किंग को कैद कर लिया है और उसकी जगह अब मैं यहाँ का बॉस बन गया हूँ। इसके लिए वो जॉन का थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी मोरा पर बिलीव करना बंद कर दिया है। उसकी मॉम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन बिल उसे बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही ये दुनिया बदलने वाली है। फिर वो मोरा के टेम्पल में आते हैं जहाँ बिल ने फेदर किंग को कैद किया हुआ है और वो गुस्से में उसे बहुत टॉर्चर करता है। वो जॉन को बताता है कि जल्दी ही मैं एक पार्टी देने वाला हूँ ताकि यहाँ की बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकूँ और जॉन भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है। उसकी मॉम को लगता है कि इससे किंगडम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता और पूल में से ढेर सारी टिकट्स निकाल कर लाता है।
फिर वो उन टिकट्स को बाहर की दुनिया में कुछ रैबिट्स को देता है ताकि उन्हें किंगडम में पार्टी करने के लिए बुला सके और जल्द ही वो सब वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन को भी ये सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जॉन उसे बताता है कि बिल ने यहाँ के रूल्स चेंज कर दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इससे मोरा इरिटेट होने लगी है। आगे हम उन्हें अपनी पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ बिल जॉन से स्टेज पर आने को कहता है और पता चलता है कि वो उसके डैड को भी यहीं ले आया है। उसके डैड को भी कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो एक बार फिर अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जॉन उन्हें भी अपने साथ घर ले आता है और दिखाता है कि उसके सारे लेटर्स मॉम तक पहुंच गए थे और अब उनकी फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई है। अगली सुबह वो घर में पानी भरा हुआ देखते हैं और मॉम समझ जाती है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। भागते हुए वो तीनों बिल के पास आते हैं जिसके यहाँ रैबिट्स की लाइन लगी हुई है और पता चलता है कि वो सब अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुलाना चाहते हैं। जॉन उसे बाहर चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है लेकिन बिल कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और देखो ये रैबिट्स कितने खुश हैं। तब मॉम उसे समझाती है कि तुम इन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते और बिल को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी इन तीनों को पूल से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ नीचे चेक करने जाते हैं। वहाँ वो फैदर किंग को कैसे आजाद कर देते हैं और वो उन्हें बताता है कि बिल ने नेचर के बैलेंस को बिगाड़ दिया है और अब मोरा किसी को नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें तुरंत बिल के पास जाने को बोलता है क्योंकि वही है जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जा सकता है। फिर वो उन्हें अपना एक मिनियन देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ये तुम्हारी मदद कर सकता है और जॉन और उसकी फैमिली उसे लेकर निकल जाते हैं। तभी फैदर किंग बिल को वहाँ देखता है और कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और इससे मोरा बहुत नाराज है। बिल को लगता है कि ये सब जॉन के बिना टिकट आने के कारण हुआ है और इसे ठीक करने के लिए वो मोरा से एक और टिकट निकाल लेता है ताकि उसे जॉन को देखकर सब कुछ शांत कर सके। फैदर किंग को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसे रोकने के चक्कर में वो पूल में जा गिरता है जिससे उसकी बॉडी वेपोराइज हो जाती है। तभी पूल से एक टेंटेकल बाहर आता है लेकिन इससे पहले कि वो बिल से टिकट को छीन पाए बिल उस टेंपल से बाहर निकल जाता है। पता चलता है कि मोरा किंगडम को नष्ट करने लगी है और जॉन और उसकी फैमिली बचते हुए कैप्टन के पास आ जाते हैं ताकि जल्दी से किंगडम से बाहर निकल सके। मोरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कैप्टन किसी तरह शिप को उससे दूर ले जाता है। तभी वो देखते हैं कि बिल बोट लेकर भाग रहा है और जॉन कैप्टन से उसका पीछा करने को कहता है। आगे उन्हें बिल का वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है लेकिन तभी मोरा उन तक पहुँच जाती है और शिप के साथ साथ बिल को भी पकड़ लेती है। बिल किसी तरह बचकर उस टावर पर चढ़ने लगता है लेकिन मोरा उसे ऐसा नहीं करने देती और इधर जॉन और उसकी फैमिली भी बचते हुए टावर तक पहुंच जाती है। जॉन अपनी मॉम से ऊपर आने को कहता है लेकिन वो देखती है कि टावर को छूते ही उसका हाथ जलने लगा है। वो समझ जाती है कि मैं इस दुनिया से नहीं निकल सकती और इससे पहले कि देर हो जाए वो जॉन और उसके डैड को ऊपर जाने को बोलती है। उसके डैड भी ये बात समझ जाते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि मोरा ने उस टावर को तोड़ दिया है और बिल भी नीचे पानी में गिर गया है। फिर मोरा एक टिकट को उठाकर अपने टेंटेकल पर लगाती है और जॉन समझ जाता है कि वो यहाँ अपनी टिकट सी लेने आई है। वो टेंटेकल से होता हुआ किसी तरह उस शिप में जाता है जहाँ बर्नर में ढेर सारी टिकट्स रखी हुई हैं और उन्हें निकालकर वापस मोरा को दे देता है। इससे मोरा शांत होने लगती है लेकिन बिल का पीछा अभी भी नहीं छोड़ती। जॉन उसकी मदद करने जाता है और उससे वो आखिरी टिकट लेकर टेंटेकल्स के होल को बंद कर देता है। मोरा बिल को छोड़कर वापस अंडरग्राउंड चली जाती है और जॉन उसे बचाकर ऊपर ले आता है। वो सब सोचते हैं कि अब भला हम ऊपर कैसे जाएंगे और तभी वो मिनियन उन्हें कुछ इशारा करता है। जॉन उसकी बात समझ जाता है और वो देखते हैं कि हवा भरते ही वो फैदर किंग में बदल गया है। वो बताता है कि मोरा से मेरी बात हो गई है और हमें उन सभी रैबिट्स को वापस भेजना होगा जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो उन्हें लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने को कहता है और हम देखते हैं कि कैप्टन भी उन पार्टी रैबिट्स को वापस ले आया है। फिर फैदर किंग अपने कुछ मिनियंस को बुलाता है और वो उन टुकड़ों से वहाँ स्टेयर्स बना देते हैं जो सीधा ऊपर पोर्टल तक जा रही हैं। सभी रैबिट्स वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं और जॉन भी अपनी मॉम से अलविदा लेकर निकल जाता है और कहता है कि वापस जाकर वो उन्हें और लेटर्स भेजेगा। इतने दिन समुद्र में रहने के बाद फाइनली वो दोनों वापस जमीन की ओर चले जाते हैं जहां जॉन अपनी मॉम को एक नया लेटर लिखता है और इस बार उसके डैड भी उसका पूरा साथ देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।